का समय भी मिले। मानस, आज का कोई एसटीबीटी या बीटीएसटी आइडिया? तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी बीटीएसटी के लिए, क्योंकि पैटर्न देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1432 के प्राइस चल रहे हैं, करेंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1414 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, और आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 1470 1470 के करने हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज यूनाइटेड ब्रेवरीज भी बढ़िया मूव कर रहा है, खबरों में था वो तो खैर। और यूएसएल आज मानस का प्रिफर्ड आइडिया जो कैरी किया जा सकता है इसमें लॉन्ग्स। सतपुते साहब, क्या रडार पे आया, क्या ले जाना है? आशीष जी, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे काउंटर्स थे वो तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन एक काउंटर जो मेरे रडार पे अभी तक मूव आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन में है, मुझे लगता है कल इसमें अच्छा मूव मिलेगा, दैट इज आइशर मोटर। स्टॉप लॉस होगा 4860 का, 4865 का भी चलेगा। सो 4865 का स्टॉप लॉस रखे और 5000 का टारगेट सेट करें, 100 पॉइंट का मूव मुझे लगता है आइशर में आएगा। आयशर मोटर्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। विकास, आपका ट्रेड क्या रहेगा, बीटीएसटी एसटीबीटी? आई बेग योर पार्डन चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं बीटीएसटी की तरफ ही फोकस करूंगा, और देखिए अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मिड कैप काउंटर में मूवमेंट है, मिड कैप निफ्टी भी तेज है के आसपास चल रहा है, और कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स पर मेरा पॉजिटिव व्यू है, और आप देखोगे बहुत सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी चल रही है, तो एक मिड कैप रहेगा। बट मेरे को लग रहा है इसमें बड़ा हुआ, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फिनटेक टेक्निकली देखे तो पोल एंड फ्लेक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। आज से लगभग 8-9 दिन पहले एक बड़ा सर्ज देखने को मिला, और अभी एक कंसोलिडेटिंग मूव है, तो उसके चलते यहाँ पे आपको बनना चाहिए। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर रहेगा कि जो भी स्टडी है वो टेक्निकल बेसिस पे स्टडी है। 1025 के सपोर्ट से कहीं कि 1090 तक के टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। ये फिनटेक बढ़िया मूव बने, बीटीएसटी आइडिया के तौर पे चंदन ले जाना चाहते हैं, कैश का कॉल। काबा सर, क्या ले जाएंगे? बायोकॉन स्टॉक पसंद है मुझे, सेटअप सही लगता है, एक महीना ब्रेकआउट भी मिल चुका, 355 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा बायोकॉन का 353, ₹2 का अपसाइड टारगेट 365 बायोकॉन। बायोकॉन है गाबा सर का प्रेफर्ड पिक, तो यूएसएल, आइशर मोटर्स, केफिन टेक और बायोकॉन, ये प्रेफर्ड आइडियाज एक्सपर्ट्स के सारे बीटीएसटी ट्रेड्स। पर गौरांग सर की टीम भी जियोजीत पे कुछ ना कुछ करती होगी, आप चैट करते रहते हो क्या, क्या बीटीएसटी ऑर्डर कर रहे हो, क्या करना है, ऐसा पूछते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म भी रखते हो पूरे टाइम? देखिए, मैं मेरे दिमाग को दुरुस्त रखने का प्रयास करता हूँ, ये एक समय पर दो दिशा में जाने का प्रयास मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, और वो करने से आपको पता है क्या होगा, तो मैं बुनियादी तर्क को ज्यादा महत्व देता हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ जो भी महानुभाव मंच पर बैठे हैं और जो भी मेरे मित्र हैं मेरी कंपनी में या बाहर, मैं एक ही दिशा में देखता हूँ। और उस दिशा में कौन सा स्टॉक नजर आ रहा है आपको? तो अभी दवाई क्षेत्र, फार्मा सेक्टर की बहुत चर्चा हो रही थी कुछ समय पहले, और हर्षदा ने भी हमें कार्यक्रम के शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था फार्मा सेक्टर को लेकर के, और मैं ये भी मानता हूँ कि फार्मा सेक्टर के साथ साथ आपको हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स से जुड़ी हुई कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। तीन विकल्प है, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर इनमें से एक मुझे चुनना होगा तो आज जिस प्रकार से निचले स्तर से अपोलो हॉस्पिटल में ऊपरी तरफ का दायरा दिखाया है, मेरे ख्याल से एक नया सर्वोच्चम अपने जीवन का शिखर बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा अपोलो हॉस्पिटल को। अपोलो हॉस्पिटल एक वो ट्रेड साबित हो सकता है जहां पर एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा। ये फिलहाल वो बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स। अच्छा, आपको याद होगा जब हम मेहरबून की बात कर रहे थे, उन्होंने दीपक नाइट्राइट के बारे में मेंशन किया कि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, और मेहरबून अगर एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पर उसे उभरता हुआ देख रहे हैं। तो अगले 4 सालों में दीपक नाइट्राइट दरअसल दहेज प्लांट में करीब $150 करोड़ तक का निवेश करने की तैयारी में है। इनफैक्ट कंपनी के सीएमडी दीपक मेहता ये साफ मेंशन कर रहे हैं कि अगले 10 साल में केमिकल इंडस्ट्री का साइज $300 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन होगा,
और इसमें दीपक नाइट्राइट का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, तो उसका एक छोटा सा चंक आपको सुनाते हैं।